हमारे साथ मंच पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अहमद हसन जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजी सरोज जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, आदरणीय बलराम यादव जी और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पत्रकार साथियों, आज खुशी का दिन है कि बड़ी संख्या में नौजवान इस लोहिया सभागार में उपस्थित हैं और साथ ही साथ ये बड़ी मेहनत कर करके जो छात्र संघ के पदाधिकारी जीते हैं, मैं इन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जिन साथियों ने सहयोग कर करके इनकी मदद की है, एक एक नौजवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सभागार में बड़ी संख्या में नौजवान हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं इसी सभागार में बैठा था, मंच पे हम लोग इसी तरह बैठे हुए थे और मैंने एक बात नौजवानों से पूछी, उस समय सभागार में जितने लोग थे उनसे पूछा, मैंने पूछा कि ये बताओ सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी चल रही है। सभागार में जितने लोग बैठे थे उस दिन, उन्होंने कहा कि हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है मोबाइल पर, वो है चश्मा। और मंच पे जो हम लोग बैठे थे, हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, याद होगा। और इस बात को मैं प्रेस के सामने इसलिए कहूं, राजेंद्र चौधरी जी भी उस समय मौजूद थे हमारे साथ। तो ये नौजवान, नए नौजवान हैं, ये चीजों को समझते हैं, आज के समय के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो नौजवान मौर्य अपनी बात रख रहा था, जिस भावना से वो कह रहा था, जो बातें वो कह रहा था, यहाँ सभागार में जितने नौजवान बैठे हैं, मैं समझता हूँ उस मौर्य नौजवान से अपनी भावना को जोड़ते होंगे। वो नौजवान जो चुनाव लड़ना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि उसकी मेडिकल की स्टोर की दुकान है और जिसकी सरकार है वही रोक रहा होगा, जो सरकार में बैठे हैं वही रोक रहे होंगे। उस नौजवान ने पूरी घटना नहीं बताई, दूसरे ने, बनारस के, जिस समय चुनाव हो रहा था और ये नामांकन करने के बाद अपने जुलूस को लेकर के जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन्हीं नौजवानों को घेरा, पूरा वीडियो जानते हैं, वीडियो देखा होगा लोगों ने, लोगों के साथ, इन नौजवानों के साथ अन्याय किया, तोड़फोड़ की, सड़क पर जो अन्याय कर सकते थे वो किया, मारपीट की। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि नौजवानों ने कोई चीज अपने हाथ में नहीं ली, अगर कोई चीज करके दिखाया तो वो जीत कर कर लेकर के आए हैं। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं। वो वीडियो अवेलेबल है, वहां के जो आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस कप्तान से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि इन नौजवानों को घेर करके मारा है, इनकी गाड़ी तोड़ दी, बताओ किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो बता दो आप। मैंने फोन किया, मैंने कहा कि ये जो वीडियो देख लो,
वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है किसने अन्याय किया है, किसने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को पीटा, एसओ को पीटा उन्हीं लोगों ने। बताओ बनारस के लोगों, वो एसओ पीटे गए थे कि नहीं पीटे गए थे? वो घायल हो गए थे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, वहां के पुलिस कप्तान क्या कर रहे हैं? उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन न्याय नहीं दिलाया। इन पे तमाम गंभीर धाराएं लगा दी हैं। अरे अभी तो कह रहे थे कि हम खून बांधेंगे और तुम मुकदमे से डर गए? ये समाजवादी लोग हैं, मुकदमों से नहीं डरते हैं। और फिर जब मुख्यमंत्री अपनी धाराएं वापस ले ले रहे हो, तो तुम्हारी धाराएं तो सरकार बनने के बाद सब साफ हो जाएंगी। और फिर आपका तो विशेष स्वागत होना चाहिए। आपका तो विशेष स्वागत इसलिए होना चाहिए जहां सबसे पुराने शहर से आप आए हैं, वो शहर वाराणसी। लेकिन मैं कहूंगा आप क्यूटो से आए हैं। और मैं नौजवानों आपको कहना चाहता हूं, इन पदाधिकारियों को पासपोर्ट बनवा के रखना। जब समाजवादी सरकार बनेगी तो यही छात्र संघ के नौजवानों को मैं क्यूटो दिखाने का काम करूंगा। कम से कम ये देखें तो सही कि क्यूटो कौन सा शहर है, कौन सा सपना दिखाया गया था, कितना बड़ा सपना दिखाया, और सड़क पे कौन घूम रहा है बनारस में? नौजवान साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। और आप क्योंकि नई पीढ़ी के लोग हैं, नई उम्र के लोग हैं, ज्यादा ऊर्जा है, इस ऊर्जा को बचा के रखना, क्योंकि सही समय पर ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज को भी आप दिशा दिखा सकते हो, और देश की राजनीति को जब कभी भी जरूरत पड़ी होगी, इन नौजवानों ने अपनी भूमिका निभाई है इस देश को दिशा देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, और राजनीति को नई दिशा देने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जब संघर्ष का रास्ता अपनाया आपने समाजवादियों के साथ, तो समाजवादी लोग कैसा देश या समाज बनाना चाहते हैं? हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, और जिनसे आपका मुकाबला है वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग संविधान बचाना चाहते हैं, वो संविधान को कुछ समझते नहीं है, वो संविधान की परवाह नहीं करते हैं। हम समाजवादी लोग भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। ये भेद बीजेपी के लोग भेदभाव रख करके उससे लाभ उठाना चाहते हैं। बताओ यहां कोई ऐसा हमारा साथी बैठा जिसके घर में पूजा ना होती हो? बताओ कोई साथी ऐसा हो, है कोई ऐसा तो बताओ हमें। हमारे घर में तो है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको, ये जितना दिखाई दे रहा है, जितना दिखावा है, ये हमें और आपको ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें आपको भटकाना चाहते हैं। अगर हम को रोजगार के लिए पूछें तो बताओ नौजवानों, आपको एनपीआर चाहिए कि रोजगार चाहिए? सवाल ये है। बताओ, हम तो हैं यहां के नागरिक, हम सब नागरिक हैं यहां के,
कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं तय कर सकता कि हम नागरिक हैं कि नहीं हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पुराने लोगों ने हमें सिखाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे, उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, कुछ कार्ड उठा करके जला दिए थे उन्होंने। जरूरत पड़ी तो ना हम फॉर्म भरेंगे, हमसे फॉर्म कैसे भरवा लोगे। अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, सवाल ये है। हम नहीं भरते एनपीआर, क्या करेंगे आप बताओ? भरोगे आप? और नहीं भरोगे तो हम और आप सब निकाल दिए जाओगे। हम तो नहीं भरेंगे, हम तो नहीं भरेंगे, बताओ भरोगे आप? इसलिए जितने भी भारत के लोग हैं, पहले भारत बचाओ और इन लोगों से बचाओ जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है। आप बात समझे नहीं, आप चीज को नहीं समझ पाए। यह अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। यह जो अन्याय दिखाई दे रहा है, जो लोग मारे गए हैं पुलिस की गोली से, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। और ये बात समझो, इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 200 विधायक उनके खिलाफ सदन में बैठ गए थे। बताओ 200 विधायक बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और कभी विधायकों का मन टटोलना, 300 से ज्यादा विधायक उनसे नाराज हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्याय कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगले 6 महीना कोई कुछ नहीं पूछेगा, और अगर 6 महीना नहीं पूछेगा कोई, तो ऐसी हट करके बैठ जाएंगे वो कि अगले 1.5 साल कोई नहीं हटा पाएगा। ये जो अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्याय कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहता हूं, क्या ऐसा देश है हमारा? अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगना चाहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगी? अगर उस परिवार के सदस्य जानना चाहें कि किसकी गोली से जान गई है, वो सच्चाई नहीं पहुंच सकती, उनसे सच्चाई नहीं जानेंगे? आखिरकार कौन है जो ये बातें छिपा रहा है? कौन लोग हैं जो घबरा रहे हैं जनता से कि जनता के बीच में अगर सच्चाई चली गई तो? सच्चाई जाने के बाद जब जनता को मौका मिलेगा तो इनसे हिसाब किताब करेगी। बताओ रोजगार कहां है, बताएं कोई हमें। कोई इनसे सवाल ना पूछे कि इन्वेस्टमेंट आया है कि नहीं आया है। बताओ 6 महीने कोई इन्वेस्टमेंट पूछेगा इनसे? उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, 0 इन्वेस्टमेंट। कारखाने लगाएंगे नहीं लोग, उद्योग लगाएंगे नहीं। और क्या हम भूल गए वो बात? क्या वो बात हम भूल गए? नोटबंदी पे क्या भरोसा दिलाया था देश को, बताओ आप? कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ बनारस के लोगों, कहां खत्म हो गया भ्रष्टाचार? और कहां कालाधन आ गया? हमारी बैंकें डूब गई, बैंकें डूब गई हमारी। जिन उद्योगपतियों ने कारखाने उद्योगों ने लिया पैसा बैंकों का, वो पैसा नहीं देंगे, ये सब बातें छिप जाएंगी। जो जीएसटी लगा करके कहा कि सरलीकरण हो जाएगा व्यापार, बताओ जीएसटी लगने के बाद कौन सा व्यापार का सरलीकरण हो गया? इसलिए ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। और कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है। आईसीयू में अर्थव्यवस्था है, ये हम नहीं कह रहे, और शास्त्री कह रहे हैं। हम तो कहेंगे
कि आईसीयू के बाद भी एक और नई आईसीयू बन गई है, वहां पहुंच गए ये लोग, अर्थव्यवस्थाओं पहुंचा दी है। अब तो अस्पताल में आईसीयू से भी ऊपर एक और आईसीयू होती है, तो अर्थव्यवस्था वहां पहुंचा दी है, वहां पहुंच गई अर्थव्यवस्था। और याद रखना, कोई जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी। हमने नोटबंदी के समय में भी बिना भेदभाव के जो लाइन में खड़े हुए थे उनकी मदद की थी। जो लोग उत्तर प्रदेश के गरीब लोग जो लाइन में खड़े थे, देश में किसी ने मदद नहीं की थी उनकी, हम समाजवादी लोगों ने उनकी मदद की थी। उनके परिवार को, लोगों को बुला करके हमने सरकार से पैसे देने की काम किया था। ये जो निर्दोष लोगों की जान गई है, अगर हमें मदद भी करना पड़ा तो पार्टी की तरफ से इन तमाम परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए बीजेपी की चालों से बचना हमारा आपका लक्ष्य है, बीजेपी को हटाना और देश को नए रास्ते पर ले जाना। हम उनका खेल नहीं खेल सकते, हम कैसे खेलेंगे उनका खेल, और खेलना भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो हमारा खेल नहीं जानते। बताओ वो क्रिकेट खेल लेंगे क्या, बताओ क्या फुटबॉल खेल लेंगे, क्या वो साइकिल चला लेंगे, तो फिर हमने अध्यक्ष जी को याद दिलाया, हमारे अध्यक्ष जी थे उस समय सदन के, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और जब कोई जीत जाती थी टीम, हम सरकार के लोग और अधिकारी लोग क्रिकेट खेलते थे, कप को देने आते थे आप। बताओ इस सरकार में संभव है क्या? इसीलिए वो बैठ करके खेल खेल रहे हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बच जाए, कुर्सी बचाने की खेल खेल रहे हैं। ए बनारस के लोगों, तुम्हारे यहां दूसरी चीज भी चलती है, क्या चलता है वो? कभी कभी ठंडाई में तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। बताओ जो उनके सबसे बड़े नेता थे उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, उनकी भी प्रतिमा बताओ कहां खड़ी कर दी। अच्छा हुआ कि ऑफिस नहीं देखा किसी ने, और यकीन करो अगर ऑफिस देख लिया होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बचते नहीं, क्योंकि इतना सुंदर ऑफिस बनाया है, पीएमओ भी इतना सुंदर नहीं है, ये सच्चाई है। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि बताओ कोई धर्म किसी कैंसर के मरीज का इलाज कर सकता है क्या? बताओ हमें, कोई धर्म हो बताओ हमें अगर कैंसर का इलाज कर दे। आज हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर, हार्ट और ये बीमारियां हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है। हमें डॉक्टर आए बीएचयू के, कह के गए कि जितना कुछ हो पहले होता था आज वहां भी नहीं है अस्पताल में इलाज, इस कोई दवाई का इंतजाम नहीं कहीं पर, और आपकी सरकारी व्यवस्था सब चौपट हो गई। बताओ कोई व्यवस्था चल रही हो इलाज की, गरीब को कहीं इलाज मिल रहा हो, और फिर बैंकों में ऐसी चोरी हुई है, डकैती, कि आज तक चोर नहीं पकड़े गए। बताओ बैंकों की डकैती वाले चोर पकड़े गए कोई? अरे वो तो कागज से पैसा निकाल ले गए, वो तो नहीं पकड़े जाएंगे। जो एटीएम तक छीन ले गए वो तक नहीं पकड़े गए। बताओ एटीएम वाले पकड़े गए क्या? एटीएम तक उठा ले गए लोग। तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? और हम तो कह रहे हैं अभी तो 2 साल हैं, अभी तो हमारा काम बहुत बाकी है, बहुत बाकी है अभी काम। इसलिए अगर आप चाहते हो प्रदेश में अच्छे एक्सप्रेसवे बने,
अच्छी सड़कें बने, अच्छे अस्पताल बने, अच्छे स्टेडियम बने और बच्चों को कम से कम लैपटॉप मिले। ये बनारस के लोग और जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, बताओ हमारी सरकार के दिए हुए लैपटॉप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और आज भी नेताजी और हमारी तस्वीर नहीं हटी होगी उसमें, तो आपका लैपटॉप अभी भी चल रहा है? और बीजेपी का शौचालय चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ? आप शौचालय चाहते हो कि लैपटॉप चाहते तय आपको करना है? वो शौचालय की तरफ ले जा रहे हैं बताओ। और हम आपको लैपटॉप देके कहीं और ले जा रहे हैं, तो सोचो क्या फर्क है। ये छिप जाते हैं कभी कभी कुन चीजों के पीछे। ये जो जेब में पुड़िया लेकर के घूमते हैं उससे बचाना, ये जो पुड़िया है उससे बचाना। इसलिए बहुत सी आजादियों को खतरा है, हम और आप कुछ बोल नहीं सकते, उसका खतरा है। मैंने उस दिन कहा कि ये धारा 144 लगाए हो आप, हमने कहा जैसे तुम्हारी सरकार है और जैसी तुम्हारी बातें हैं उतनी ही कमजोर धारा 144 है। मैं यहां से लखीमपुर तक गया, हर जगह तोड़ते चले गए धारा 144 और लखीमपुर से वापस आ गए धारा तोड़ते तोड़ते। बताओ कहां थी पुलिस आपकी? अभी एक सिपाही से मैंने बात की, थोड़ा उम्रदार था, मैंने कहा ये बताओ, वो तो तुम्हारी जन्म की सर्टिफिकेट के बारे में मैं नहीं जानना चाहता, तुमने तो अपना जन्म का सर्टिफिकेट जुगाड़ कर करके बनवा लिया होगा, लेकिन ये बताओ अगर तुम्हारे माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ प्लेस पूछेंगे तब क्या जवाब दोगे? तो ये जो लाठी चला रहे हैं इन्हें भी नहीं पता कि क्या खतरा इनके साथ होने वाला है। जिस समय इन्हें बता दोगे लाठी वालों को कि सुनो तुम्हारे भी माता पिताजी के कार्ड मांगे जाएंगे, उस दिन के बाद वो लाठी नहीं चलाएंगे। ये गाँव में रहने वाले लोग, बताओ आप गाँव में है घर किसी का? नहीं है, सबका घर है। बताओ बनारस में घर होगा उसकी तो रजिस्ट्री होगी, लेकिन गाँव में जो घर है उसके कागज कहाँ है बताओ? तुम है कागज कहीं के नहीं है बताओ? ये तो पत्रकार साथी कह रहे हैं इन पे भी कागज नहीं है। इसलिए अपना ध्यान मत हटाइए, फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो कैसे निकाल लोगे हमें आप? और फिर अगर ये बात है कि आपने आरक्षण खत्म करने का काम किया और कहा कि क्योंकि एंग्लो इंडियन इतने हैं देश में आबादी में, आपने एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन होता वो खत्म कर दिया, तो बताओ हमें और आपको कब गिनोगे? पहले कांग्रेस ने नहीं गिना, अब ये नहीं गिनना चाहते। हम गिनवाना चाहते हैं कि हमें गिन लोगी, हम कितने हैं समाज में बताओ? हमारे नौजवान मौर्य जी गिनवाना चाहते हो समाज में कितने हो कि नहीं गिनवाना चाहते हो? क्योंकि आप तो यादव से ज्यादा हो, होना कि नहीं हो यादव से ज्यादा? अरे देखो हमारा मौर्य साथी कह रहा हम यादव से ज्यादा है गिनती, तो क्यों नहीं गिन रहे हो आप? हमारे कुर्मी भाई हमसे ज्यादा है, गिनो समाज में, क्यों नहीं गिन रहे आप? हाँ उनको तो जरूर गिनना है, ऐसी ऐसी हमारे ये बैठे हैं इंजीनियर सरोज जी, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको गिन लो। ये जो आ रहा है चाहे NRC हो चाहे NPR, ये हर गरीब के खिलाफ है, हर गरीब के खिलाफ है, हर माइनॉरिटी के खिलाफ है, हर मुस्लिम के खिलाफ है। इसलिए जो जमीन पे नहीं दिखा पाए, जो क्यूटो नहीं बना पाए, जो गंगा नहीं साफ कर पाए, वैसे हमें लगता है गंगा मैया में कुछ तो है ताकत, कुछ तो है गंगा मैया में। देखो जो गंगा मैया को धोखा देगा वो बचेगा नहीं।
वो आपने देखा कि नहीं देखा बताओ। इसलिए जो गंगा मैया को नहीं साफ कर पाई, कोई गंगा मैया को साफ करेगा तो वो समाजवादी लोग होंगे जो साफ करके दिखा देंगे, और लखनऊ में करके दिखाया है। ये 900 मीटर जुड़ जाती तो देश की पहली नदी होती जो शहरों में साफ सुथरी बहती। यही गंगा एक्शन प्लान वन था, यही आज कर रहे हैं। तो बताओ समाजवादी पार्टी का मॉडल क्यों नहीं अपना रहे आप? वही मॉडल से नदियां साफ हो सकती हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने छात्र संघ के नौजवानों को, और जिन्होंने जिताया उनको ज़्यादा बधाई और धन्यवाद। और यहाँ आए हैं, मुझे खुशी है, नए वर्ष पे नई चीज़ें होंगी, और जिनके साथ अन्याय किया सरकार ने, हम समाजवादी लोग उन परिवारों के साथ हैं, उनकी मदद करेंगे। और जिन लोगों ने अन्याय किया है ये सरकार जांच करे, हम चाहते हैं कि जांच हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो वीडियोज़, वो सीसीटीवी फुटेज सब कुछ अवेलेबल है, जब समाजवादी सरकार बनेगी ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। और फिर ये बताओ, बुलंदशहर में पुलिस के अधिकारी को किसने मारा? वो पूरी सीसीटीवी और वीडियो अवेलेबल है। बताओ सरकार ने एक को भी पकड़ी तो 2007 की दोबारा जांच होगी कि आखिरकार क्या क्या जलाया गया है। जब हमारे यहां आप टोंटी ढूंढ सकते हो तो समझ लेना समय बदलता है, समय का फेर ही ऐसा है, कभी अच्छे दिन कभी खराब दिन। और तब तक जांच चली जब तक चिलम ना निकली। बहुत धन्यवाद।